नमस्कार, मैं हूं आशुदाब। 30 दिन में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को कैसे मास्टर करें, आज एक टॉपिक ऐसा है जो वैसे भी आपको बहुत शौक होगा, जब हम नए नए इन्वेस्टिंग भी शुरू करते हैं तो हम सब करते हैं। वो ये है कि एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है कि हम सस्ता स्टॉक खरीदना चाहें। सस्ता का मेरा मतलब है, तात्पर्य है कि जैसे 10 रुपये वाला, 15 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 50 रुपये वाला, जैसे ही स्टॉक 100-200 के होने शुरू होते हैं हम कहते हैं जी ये तो महंगे हो गए। ये तो मेंटल चीज़ है, हम सबके साथ होती है, ऐसे कोई बात नहीं है, मगर हमें क्या करेक्ट करना है वो देखना है आज। तो आज का टॉपिक ये है कि लो प्राइस स्टॉक या जो स्टॉक जो 10, 20, 15, 50 रुपये में बिकते हैं वो खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। देखिए, दो इसमें दो चीज़ें हैं। कभी कभी स्टॉक की प्राइस कम इसलिए होती है कि बेयर मार्केट आ गया है, कोई इंटरेस्ट है नहीं, संस्थागत निवेशक निकल गए हैं, तो स्टॉक जो है वैल्यू बन जाता है। मगर ज़्यादातर जो स्टॉक 10, 20, 30 रुपए वाले होते हैं वो इसलिए है कि जंक होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए बड़ी सारी तकलीफें होती हैं, इसलिए स्टॉक जो लो वैल्यू है। आप खुद देख लीजिए ऐसा क्यों है, जो इंडेक्स में स्टॉक हैं, जो टॉप ब्लू चिप वाले स्टॉक हैं, वो स्टॉक जो हैं 1000, 2000, 500, 400 ऐसे प्राइस पे होते हैं। उसका रीज़न है और वो रीज़न ये है कि जो स्टॉक ठीक से परफॉर्म कर रहा है उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। तो कभी कभी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी स्टॉक ने बोनस दिया है, स्प्लिट किए, तो वो ठीक है। अगर वो 500 रुपये का स्टॉक 50 हो गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो दो लेते हैं, पहले ये लेते हैं कि वो स्टॉक कौन से हैं लो प्राइस जिसमें वैल्यू होती है। देखिए, वो ऐसे स्टॉक होते हैं जैसे एक मार्केट जो है बुल मार्केट था, बेयर मार्केट हो गया है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जैसे कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है, ट्रांसफार्मर जो है सब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को चाहिए ही चाहिए, या जो अगर पावर एक्सपेंशन हो रही है उनको चाहिए ही चाहिए, मगर दिक्कत ये हो गई है कि अभी जो है पैसे की कमी है शायद से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में, या इन्होंने अपनी जो सप्लाई है डबल कर दी, सप्लाई डबल कर दी, मगर खरीदना इतना ज़्यादा हो नहीं रहा, जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं हो रही तो प्राइस कम आ गए, या जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन्होंने उनके स्टॉक बेच दिए हैं, पहले 30% ओनरशिप थी अब 2% हो गई है। हाँ, ऐसा स्टॉक में वैल्यू ज़रूर होती है, आप खरीद सकते हो। दूसरा स्टॉक की प्राइस जो है 9-10 रुपये की या 20 रुपये की इसलिए हो सकती है कि पावर प्लांट लगा रहे हैं, पावर प्लांट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मगर 1-2 महीने बचे हैं, या पावर प्लांट अभी शुरू हो गया जिसका मतलब है उनका रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा और डेट देना शुरू हो जाएंगे, वहाँ भी वैल्यू है। मगर तीसरी कंपनी ग्रुप की कंपनीज ऐसी हैं जहां पर क्यों वैल्यू लो है। पहली चीज़ ये है कि उसमें संस्थागत निवेशकों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि मैनिपुलेटर स्टॉक ऑपरेटर इसमें थे, स्टॉक ऑपरेटर वहां से निकल गए हैं, 300 रुपये का स्टॉक जो है 30 रुपये पे आकर रुक गया है, ऐसे स्टॉक जो हैं बिल्कुल भी नहीं चलते। तीसरी चीज़ ये है कि जो स्टॉक है वहाँ पर मैनेजमेंट का कोई ना कोई इशू ज़रूर है, या तो मैनेजमेंट ने पैसे लेके प्रॉपर्टी में लगा दिए हैं, या तो मैनेजमेंट ने एक बिज़नेस छोड़ो 2-3 और बिज़नेस शुरू कर दिए हैं। अगर ये मैनेजमेंट ऐसी इस किस्म की डाइवर्सिफिकेशन कर रही है तो स्टॉक जो है कभी संस्थागत निवेशक लेगा नहीं, क्योंकि उनको लगता है ये मैनेजमेंट का कोई फोकस नहीं है। हाँ जी, मैनेजमेंट तो प्रमोटर तो उनका अपना तो शौक है, हाँ जी हम प्रॉपर्टी भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और हमारे देश में तो सबको लगता है हाँ जी प्रॉपर्टी में तो घुसना ही है, मगर उससे संस्थागत निवेशक आपको डाउट करना शुरू कर देते हैं कि आपकी एबिलिटी है या आप यहाँ वहाँ घूमने के चक्कर में हैं तो पैसे नहीं डालते। इसलिए लो प्राइस स्टॉक्स को बहुत ध्यान से खरीदा करिए। अगर आप बेयर मार्केट में हैं, मार्केट बिल्कुल नीचे है, और अगर आपको वैल्यू मिलती है कि स्टॉक में कोई ख़राबी नहीं है, मैनेजमेंट में कोई ख़राबी नहीं है, सिर्फ या तो इनका प्रोजेक्ट अभी लगा है तो थोड़ा टाइम लगेगा पैसे आने में, या इनकी टॉप क्लास प्रोडक्शन है मगर सिर्फ जो है अभी सप्लाई की जो डिमांड है, मतलब शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है, कोई लॉन्ग टर्म नहीं है, मगर ज़्यादातर 80% स्टॉक जो 10-20 रुपये में ट्रेड कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई दिक्कत है, कोई रीज़न है क्योंकि कोई नहीं खरीद रहा, तो आप भी ना खरीदें। और स्पेशली बुल मार्केट में तो 10-15 रुपये वाले स्टॉक कभी भी ना खरीदें। हाँ, बेयर मार्केट अगर 3-4 साल निकल गया है, स्टॉक 20-30-40 पे घूम रहा है और बाकी कंडीशन ठीक है, आप बेशक खरीदें। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ आशुदत्त।